रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन के एमसीक्यूज़ को। बिफोर स्टार्टिंग एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर फ्यू डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर आपसे कहा गया है रैशनल फ्रैक्शन। लाइक यहाँ पर फ्रैक्शन की जब बात होती है तो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो दोनों ही यहाँ पर p लिखने के बाद ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर p और ब्रैकेट में x न्यूमरेटर है और q और ब्रैकेट में x डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर रैशनल फ्रैक्शन जब कहा जाएगा तो रैशनल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन होगा लेकिन यहाँ पर पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कहलाता है रैशनल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट बात की जा रही है व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डू रिमेंबर वन थिंग कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यानी मैंने यहाँ पे लिखा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6x प्लस 27 यानी न्यूमरेटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस या माइनस 9x। तो हम यहाँ पे नोट करें कि अगर न्यूमरेटर है इस पे लिखा हुआ है x तो इसकी डिग्री 1 है, और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x पर डिग्री लिखी हुई है 3। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब बात होती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्यू चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि हम लिखेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या तो बराबर होगी या फिर आपकी ग्रेटर होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने अगर यहाँ लिखा 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आप चेक करें x की डिग्री है 3, ये न्यूमरेटर है, और यहाँ x की डिग्री है 2, ये डिनोमिनेटर है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये भी हो सकता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर हम न्यूमरेटर में देखें यहाँ पे स्क्वायर है डिग्री और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक्स का स्क्वायर है, दोनों डिग्री सेम है, तो हम ऐसी कंडीशन में भी अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, एक्सरसाइज 21 का रिव्यू है यहाँ पे। टेक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट वन है आपके पास एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं उस टाइम जब हम ऐड करेंगे, सेकंड ऑप्शन के बिना मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डिवीजन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अब नेक्स्ट आपको गिवन है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है कैन हैव अ फॉर्म। हम पार्शियल फ्रैक्शंस में जो क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं सॉल्व, उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन गिवन था उसको हम लिखते थे किस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, लिखा हुआ x माइनस ए डिनोमिनेटर में x माइनस बी एंड x माइनस सी, तो हम इसको लिख देते थे x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी तीनों डिनोमिनेटर्स में डिवाइड हो गए, और यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, फिर प्लस, फिर b डिवाइडेड बाय x माइनस बी, फिर प्लस, फिर c डिवाइडेड बाय x माइनस सी। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन b,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स आर। तो यहाँ पर ये स्मॉल क्वेश्चन आपको गिवन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इन चार में से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो नोटिस करें कि यहाँ पर जब x माइनस थ्री गिवन है आपको, न्यूमरेटर में आपने लिखा x माइनस थ्री और डिनोमिनेटर में लिखा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं x को, यानी लाइक हम इसको लिख सकते हैं x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x कॉमन लिया और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने लिखा यहाँ पर x माइनस थ्री और x है और फिर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डू रिमेम्बर हम यहाँ पर लिख देते थे, यानी यहाँ पे x है डिनोमिनेटर में x लिखा और ऊपर लिख दिया a, फिर प्लस अब यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर प्लस थ्री। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर यहाँ पे स्क्वायर में होती है, यानी यहाँ x की टू वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं सॉल्यूशन सेट जब निकालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने इसका एलसीएम सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ लिखा एक्स माइनस थ्री, यहाँ लिखा एक्स, ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और यहाँ पर हमने एक्स लिखा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिखा। हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कैंसिल, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स प्लस सी। अब आपने यहाँ लेफ्ट और राइट पे सेम डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए, रिजल्ट आ गया एक्स माइनस थ्री, ये आ गया ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर प्लस, फिर एक्स और ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी। अब आपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है ब्रैकेट को, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अरेंज कर लेते हैं, यानी हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस थ्री ए। अब यहाँ से हमने लिखा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी, यहाँ पर हमने लिखा प्लस सी एक्स और प्लस थ्री ए। अब हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, इक्वेटिंग मेथड यूज़ करना है। इक्वेटिंग मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर पहले इक्वेट कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट माइनस थ्री बाय इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स नॉट, एक्स नॉट यानी जो वन है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा, जब हमने माइनस थ्री, यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस थ्री इक्वल टू और यहाँ पर थ्री ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे सामने आ गई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ए की वैल्यू माइनस वन। ए हमारे पास आ चुका है। अब हमने इक्वेटिंग मेथड यूज़ करने है, अब हमने पार्ट सी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी सी की वैल्यू आ गई वन। अब हमारे सामने ए माइनस वन आ गया, सी माइनस वन आ गया। अब हमने एक्स स्क्वायर को इक्वेट किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है तो हमने लिख दिया ज़ीरो और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है ए प्लस बी। ये एक्स स्क्वायर ज़ीरो से डिवाइड होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए की प्लेस पर लिखा आपने माइनस वन और बी आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब माइनस वन को यहाँ शिफ्ट किया तो बी की वैल्यू आ गई प्लस वन, यानी आपके सामने ए बी सी तीनों आंसर आ गए। अब आपने पुट कर देना है
value of A, B and C in फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे आपने जो बनाई थी उसको हमने कहा इक्वेशन वन. ये आपके सामने इक्वेशन, ठीक है. यहाँ पर ए की वैल्यू रख दें, यहाँ बी की और यहाँ सी की वैल्यू. डिवाइडेड बाय एक्स, फिर प्लस बी का आंसर है वन, यहाँ लिख दिया हमने वन, और ब्रैकेट में लिखते एक्स बी एक्स, फिर प्लस और सी का आंसर है वन, यानी कि यहाँ पे लिख दिया वन. बी एक्स प्लस सी, बी की भी वैल्यू रख दी और सी की भी. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो यहाँ पे लिखा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. अब आप इसमें देखें, यहाँ पे लिखा है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यानी पार्ट डी इज़ द राइट आंसर. ये पूरा हमें सॉल्व करना होगा, फिर हमारा आंसर आएगा. अब हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट फोर. इसमें आपके सामने एक्स क्यूब प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इस. अब आपसे पूछा गया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आइडेंटिटी है या कांस्टेंट टर्म है. चार ऑप्शन आपको गिवन है. तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, तो आपको x माइनस वन और x प्लस टू गिवन है. हम इसे लिटिल सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है. तो हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस वन एज इट इज़, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय टू यहाँ पे टू एक्स, फिर वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस वन टू ज़ा टू. तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वन और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि टू में से वन सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस एक्स एंड माइनस टू. दिस इज़ नोन एज न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर डिग्री है थ्री, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन, और यहाँ पे डिग्री है टू. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ आंसर में आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब नेक्स्ट है पार्ट फाइव, द फ्रैक्शन टू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. यहाँ पर आपको न्यूमरेटर गिवन है जिसमें डिग्री है एक्स की वन, और डिनोमिनेटर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी डिग्री गिवन है टू. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. जब ये कंडीशन होती है तो हम इसको कहते हैं प्रॉपर, यानी ऑप्शन ए. तो इस तरह से हमने आज एमसीक्यूज़ जो आपकी बुक में गिवन थे पार्शियल फ्रैक्शन के, वो डिस्कस कर लिए हैं.